कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 साल की उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार की 5 साल की कारगुजारियों पर ही जनता वोट देती है। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, जिसे देश की जनता तलाश रही है। कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 साल की उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार की 5 साल की कारगुजारियों पर ही जनता वोट देती है। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी ने अच्छे दिनों का वायदा किया था, जिसे देश की जनता तलाश कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय दत्त ने कहा कि मोदी 2014 में किए वायदों पर मोदी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की सबसे बड़ी विफलता अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं करना है। संजय दत्त ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक इससे पूर्व भी कांग्रेस के शासन में भी हुई है, मगर उसे मोदी द्वारा मोबाइल पर खेली गई गेम बताना शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेना का कभी भी इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया, मगर भाजपा के नेता मोदी की सेना कहकर सेना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी से सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा 5 साल तक अपने कार्यकाल के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे अब भी पीएम और सीएम के पीछे छुपकर अपनी ढाल बनाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव का इस्तेमाल झूठे वायदे करने के लिए करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके किस नेता ने हिस्सा लिया, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं बयान करना चाहता हूँ कि पूरे चुनाव के दरमियान हमने ये बात देखी कि 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने 2014 में जो वादे किए थे, उन वादों के बारे में तो वो बोल ही नहीं रहे। 15 लाख का क्या हुआ? ब्लैक मनी लाने वाले थे उसका क्या हुआ? जो है कीमतें कम करने वाले थे उसका क्या हुआ? 2 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले थे हर साल, उसका क्या हुआ? किसानों को इनकम को डबल करने वाले थे, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर मोदी जी नहीं बोल रहे, जिससे कि बात स्पष्ट है कि उनकी विफलता हर क्षेत्र में है। डीमोनेटाइजेशन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जीएसटी से जितने छोटे व्यापारी थे उनको अपना कारोबार बंद करना पड़ा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। और हमें अभिमान है अपने सैनिकों पर। भारतीय सेना ये हर नागरिक के लिए एक अभिमान का विषय है। हम सलूट करते हैं। हमारे नेता राहुल जी गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद सबसे पहले ट्विटर पे बधाई दी थी, लेकिन मोदी जी कभी नहीं हुआ प्रधानमंत्री। हमने कई सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के कार्यकाल में की। 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का विभाजन करवाया, लेकिन कभी भी इसका पॉलिटिकल कैपिटल हमने नहीं किया, मोदी जी ने किया। जब पुलवामा का टेरर अटैक हुआ तो जानकारी सामने आई कि इसके बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से 40 हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़ा। उसके बाद क्या जानकारी आगे आई कि जब पुलवामा का अटैक हुआ मोदी जी फिल्म अपनी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी, वो शूटिंग करते रहे। ये अपमान सेना का, एक तरफ दिखाने के दांत, एक तरफ खाने के दांत, दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है। और ये पूरे परोक्ष में रामस्वरूप जी जो यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में वादे किए, वो वादे, कई वादे उन्होंने किए। मैं रेल लाऊंगा मंडी में, वहां पे नमक का कारखाना लाऊंगा और विभिन्न वादे, लेकिन आज एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया।